मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने देवली विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद कुमार के समर्थन में दो जनसभाओं को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने घर घर जाकर केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी मतदाताओं को दी और कहा कि सभी को पीएम मोदी के हाथ मजबूत करना है तो बीजेपी प्रत्याशी अरविंद कुमार को विजय बनाना होगा। साथ ही कहा कि पीएम मोदी के सीए लाने के बाद देश विरोधी ताकतें बाहर निकल कर आई हैं, इसलिए देशभक्तों को इस चुनाव में बीजेपी का समर्थन करना चाहिए। वहीं अपने संबोधन में पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सीएम केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। ये तो मोदी थे जो सीएए ले आए और उससे समझ में आ गया कितने कीड़े ऐसी दवाई फिनाइल की डाली कि सारे कीड़े निकल के ऊपर आ गए, सारे कीड़े निकल के ऊपर आ गए। पता चल गया कि देश समर्थक ताकत कौन सी है और देश विरोधी ताकत कौन सी है। हम राष्ट्रभक्त, हम राष्ट्र के पुजारी हैं और राष्ट्र की जो भी पूजा करेगा हम उसके पुजारी हैं। और इसलिए मैंने कहा कि हम कलाम के समर्थक हैं और कसाब के विरोधी हैं जिसने बंबई में बम ब्लास्ट किया था। आप सबको मालूम होगा मोदी जी आए तब से बंबई, दिल्ली में, बंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में बम ब्लास्ट होना बंद हो गए कि नहीं हो गए। लेकिन केजरीवाल उनका समर्थक है जो बम ब्लास्ट करते हैं, हम उसके विरोधी हैं। अरे भाई, हमने एयर स्ट्राइक करी पाकिस्तान के ऊपर, ये सेना से सबूत मांगने वाला व्यक्ति कौन है? केजरीवाल ही है जिसने सेना से सबूत मांगे। अब आपको सबूत मांगना है उससे उसका कि वो राष्ट्र विरोधी है कि राष्ट्र भक्त है। जिसने रातों रात पूरा कश्मीर खाली करा दिया उस वक्त कभी केजरीवाल ने, या ये जो अजहरू गेम की थी इसने कभी निंदा नहीं करी। तब कभी केजरीवाल नहीं गए, तब कभी राहुल गांधी नहीं गए, या पूरा का पूरा गांधी परिवार नहीं गया। लेकिन जैसे ही सीएए आया ये सारे के सारे लोग निकल के ऊपर आ गए। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसलिए इस चुनाव को आप छोटा सा चुनाव मत मानना। इस चुनाव को राष्ट्रीय नक्शे से